पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में खुलेआम छत से फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फायरिंग के इस वीडियो में कई महिलाओं और पुरुषों के चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। घटना की वजह दो पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद सामने आया। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष उनको रास्ते में कब्जा करते हुए गेट लगा रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने छत पर जाकर तमंचे से कई राउंड फायर झोंक दिए। फायरिंग का दूसरे पक्ष ने वीडियो बना लिया। गरिमत रही, किसी को गोली नहीं लगी, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल अब वीडियो सामने आने के बाद आनंद फानंद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले आरोपी को तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम गए पानी चला रहे मोटर, तो देखने गए तो हम पर आधा बरसान शुरू कर दिया। उसके बाद डंडे बरसाने शुरू कर दिया। उसके बाद फिर तमंचा लाया। उसके बाद फिर पैंट खोल गया, हमें बदतमीजी कर रहा, मैं लोड़ियों को बदतमीजी कर रहा। इरफान फाटक खोल रहे हमारे रोड में, तो हम वो रोड में मना कर रहे हैं तो वो मान ना रहे। हम फाटक लाए, हमारे फाटक पुलिस के सामने तोड़ दिया। तीन दो करके तीसरे कर दिया था। हाँ, और लोग सुन सुन के आ रहा है। इरफान ना करा, बेचा तरह था। उसकी माँ ऊपर बचा रही ना बच रहे, अलवाई डंडे दे रही। पुलिस आई थी, पुलिस तीन फेरे आए, फिर मारुति भर भर के। पुलिस सामने भी तमंचा था उस पे? हाँ ना, बात को आए पुलिस तो। कितनी तमंचे थे? दो फेरे तो बुलाया, एक फेरे आया अपने आप ही। शहनाज अली लगे सर, मैं जंगल जा रहा था, मेरे साथ मारपीट करी, जाती करी फुल इन लोगों ने। इंजन लेकर आ रहा था मेरे साथ, मतलब मारपीट करने के बाद में फिर मैंने जब घर को आवाज़ दिया तो घर से लोड़ी आ गई निकल के, इन लोगों ने गोली चलाई मेरे ऊपर छत पर खड़े होकर। क्या नाम है? इरफान और एक बेचा, इन दोनों भाइयों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। किस चीज़ का विवाद है आपको जो गोली चलाई? विवाद इस चीज़ का कुछ नहीं है साहब, मेरा रास्ता तो आप देख लो, चले कितने परेशान हूँ मैं, वो तो आपने देख लिया मेरा रास्ता कितने परेशानी में। ये रास्ता ये वाला क्या जाती से मेरे रास्ते में दुकानों गेट खोल रहे हैं ये लोग अपना, ये बेचा और इरफान। पुलिस आई लेकिन पुलिस जो है हमारी सुन के नहीं दे रही। रिपोर्टर लिखी गई हमारी खाली का बहुत टाइम उसने अध्य बरसाए, कम से कम आधा घंटा अध्य बाद बरसाए छत पर खड़े होकर। इसी के तहत एक दूसरा मुकदमा पंजीकृत हुआ है विवाद में, जिसमें तमंचा पहुंचा दिखाया था, पार करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार करके उसे जेल कर दिया। तमंचा बरामद हो गया, जो तमंचा बरामद हो गया और जो इसका वादी है भी गिरफ्तार हो।